नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब रुख करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के समुंदरपुर पलथी गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने कोटेदार के मनमानी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे कोटेदारों का आरोप है कि समुंदरपुर पलथी गांव के कोटेदार अंगूठा लगवा लेता है लेकिन राशन नहीं देता है। विरोध करने पर मारपीट और अभद्रता करता है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से जांच कर कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नाम सुशीला, कहां के रहने वाले? समुंदरपुर। क्या मामला आज आप लोग यहां आए हैं? कोटेदार बहुत परेशान कैले हैं, कोटा नहीं देते। एक महीना के बिलेक करें ना तो दूसरे महीना दे ही नहीं। तो वह 5 रुपया किलो गेहूँ, 5 रुपया किलो चावल, और हमार कोटा है ललका, हमार कोटा है ललका कारट है, और जौन है वन 140 और 444 रुपया लीटर तेल देते। और हम आने गैली कोटा, और हम दुआरी पे नहीं, सौ मनई के बीच में नहीं, हमार बहन बिटिया मतारी अक्का ना छोड़ना, कहाँ जा जौन करे को तो कैले कोटा न मिली तो के। हमारे पास वही दिन 100 रुपया ना रहा, वही कारण राशन ना दे, उस कारण बहुत बहुत गरियाव, तब से कोटा ना देते हमें। कोटेदार का नाम है मिट्ठू लाल। हाँ मिट्ठू, उस समुंदरपुर के। हाँ हम ये चाहत बाटी कौन का कोटा छूट जाए। हाँ उनका कोटा छूट गया, केशव भैया के मिल जाए। उनके उनके बहुत कुछ लो बास बा, और केशव भैया के 4 लड़की हैं, सियान सियान है, 2 लड़का बस। ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ टीवी 20 न्यूज पर। अब चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।